नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्य के प्रयासों पर जोर दिया। अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन में सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने भाग लिया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में उच्च गति की 5G दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत की। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई। उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में अगले 3-4 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना और पुणे में भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का प्रमुख विकास पैमाना है। पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य स्तरीय जल सम्मेलन को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय होता है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हो है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक बार ये व्यवस्था बन गई तो आगे उनकी देखरेख भी उतने ही अच्छे ढंग से चलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने जनता और सामाजिक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण अभियानों में उनकी अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग किसी अभियान से जुड़ते हैं तब उन्हें उस कार्य की गंभीरता के बारे में जानकारी होती है। हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती है, इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग जब इस अभियान से जुड़ते हैं तब उनमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता आती है। श्री मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन को अपने हाथ में लेना चाहिए और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि उनके गांवों में पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री ने प्रति बूंद अधिक फसल अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस अभियान से अब तक देश की 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है। सभी राज्यों को माइक्रो इरिगेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ये जल संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के बीच सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन को मॉडल बनाते हुए दूसरे राज्य भी नदियों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रिस्तरीय जल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय है वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य अभियंता सेवा के अधिकारियों से कहा है कि वे भविष्य की निर्माण परियोजनाओं में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अग्रणी तकनीकों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इससे निर्माण डिजाइन में कुशलता बढ़ेगी और निर्माण कार्य में समय की बचत भी होगी। राष्ट्रपति भवन में आज सैन्य अभियंता सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि निर्माण तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहे हैं।
केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ओडिशा में उच्च गति की 5G सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक संपूर्ण ओडिशा में 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा प्रत्येक गांव में फाइबर इंटरनेट पहुंच जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार की मदद से राज्य में 5G का मजबूती से प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओडिशा के 7000 गांवों में 5000 टावर लगाने के लिए 5600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 5G तकनीक से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। उन्होंने कहा कि 5G तकनीक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भी कई प्रकार से सहायक होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। श्री शाह ने राज्य के उत्तरी और दक्षिणी दो जिलों में जन विश्वास यात्रा को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को काम मिले। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अपना अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर को पहुंच गया है। ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। North East Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's North East Diary, on 5th of January 2023, we bring you an interesting interview with Praveen Jay, member of a team of amateur bird watchers who made an expedition into the remote hills of Changlang district in Arunachal Pradesh and discovered the new songbird, Wren Babbler. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई। दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों सहित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया, वहीं फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमानुएल बोन ने किया। पिछली बार दोनों पक्षों के बीच ये वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में हुई थी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन के पुनरावलोकन कार्यक्रम में Y20 सम्मेलन से संबंधित लोगों और वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले युवाओं के बीच चर्चा भी होगी। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपराध के बदलते स्वरूप के कारण पुलिस के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस को स्मार्ट बल के रूप में मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार ने अहमद हंगेर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को आतंकवादी घोषित किया है। श्रीनगर का ये आतंकवादी इस समय अफगानिस्तान में है। पिछले 2 दशक से इसकी जम्मू कश्मीर में तलाश है और इसके अलकायदा तथा अन्य वैश्विक आतंकी गुटों से संबंध है। अबू उस्मान अल कश्मीरी भारत में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री नडेला ने प्रधानमंत्री को सार्थक बैठक के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सतत और समावेशी आर्थिक विकास पर सरकार का विशेष ध्यान दिया जाना प्रेरित करता है।
फ्रांस ने रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन को हल्के हथियारबंद युद्धक विमान AMX-10RC उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद ये घोषणा हुई। फ्रांस के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन की सेना की सहायता के लिए पहली बार हथियारबंद वाहनों की आपूर्ति की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राजधानी दिल्ली में आज इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र की 12 रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं, जबकि 2 का समय बदला गया है। आकाशवाणी से खास बातचीत में उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आरके राणा ने बताया कि कोहरे का ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। रेलवे ने इस कोहरे से निपटने के लिए रेल यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है और आज 12 रेलगाड़ियां डेढ़ से 2-2.5 घंटे के करीब लेट चल रही है और 2 गाड़ी हमारी जो है रीशेड्यूल हुई है। और मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि रेलवे स्टेशन पर आने से पहले इंक्वायरी सिस्टम से संपर्क करें और नजदीकी रेलवे स्टेशन से संपर्क करें। बाकी भारतीय रेल और जो है कोहरे से निपटने के लिए काफी इंतजाम करती है और ताकि रेल यात्रियों को कोई असुविधा न हो। कश्मीर घाटी में कई स्थानों का तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, जिसके कारण कई इलाकों में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में अगले 3-4 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रमों में से एक है। ये कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की पुष्प प्रदर्शनी की सराहना की है। अहमदाबाद नगर निगम के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी रुचिकर है। कई वर्षों से अहमदाबाद की पुष्प प्रदर्शनी फूलों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती रही है। तेलंगाना सरकार ने विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को हस्तांतरित करने की एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया राज्य सरकार की इस अपील पर आज सुनवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को आज सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कुलदीप सिंह पठानिया को अध्यक्ष बनाने के 3 प्रस्ताव आए। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 188 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान 201 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.8% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को आज उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि सेवा, शिक्षा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में श्री जोशी का योगदान अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ जोशी ने भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से पुणे में खेला जाएगा। संजू सैमसन पहले मैच में चोट लगने के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 61,100 अंक से नीचे रहा, जबकि निफ्टी 17,900 अंक के स्तर पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों पर जोर दिया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में उच्च गति की 5G दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत की। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई। उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में अगले 3-4 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना है और पुणे में भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम खेला जाएगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।